एक बार एक सियार भोजन की तलाश में भटक रहा था। आज का दिन उसके लिए बहुत बुरा साबित हुआ था, क्योंकि उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था। थका मांदा और भूखा प्यासा वह देर तक घूमता रहा और अंत में शहर की गलियों में जा पहुंचा। उसे पता था कि सियार के लिए शहर में घूमना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वह इतना भूखा था कि उसने खतरे की परवाह नहीं की। अब तो जैसे भी हो, मुझे कुछ खाना मिलना ही चाहिए, उसने मन में सोचा। लेकिन कहीं यहाँ पर कुत्ते और आदमी मुझ पर हमला ना कर दे। तभी उसे खतरे का बिगुल सुनाई दिया। कुत्ते भौंक रहे थे। वह समझ गया कि अब वे उसका पीछा करेंगे। वह डर गया और उसने भागना शुरू किया, लेकिन कुत्तों ने उसे देख लिया था और वे उसका पीछा करने लगे। कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए सियार खूब तेज भागा, लेकिन वे काफी नजदीक आ गए थे। प्राण बचाने के लिए वह एक घर में घुस गया। वह घर एक रंगरेस का था। आंगन में नीले रंग से भरा एक नाद रखा था। सियार ने उसी में छलांग लगा दी। जब कुत्ते सियार को ना पा सके तो निराश होकर लौट गए। सियार नाद में कुछ देर छिपा रहा। जब उसे विश्वास हो गया कि कुत्ते चले गए हैं, तब वह नाद से बाहर निकल आया। अपने आप को नीले रंग में रंगा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे। वह आदमी और कुत्तों की नजर से बचकर जल्दी से जल्दी जंगल में पहुंच जाना चाहता था, सो वह जल्द ही जंगल की ओर लौट गया। उसे देखकर सब जानवर मारे डर के भाग गए। नीले रंग का कोई पशु उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सियार ने देखा कि वे सब उससे डरे हुए हैं। बस उसने तुरंत ही इस बात से लाभ उठाने की ठान ली। अरे तुम सब भाग क्यों रहे हो, उसने चिल्लाकर कहा। आओ वापस आ जाओ और मेरी बात सुनो। भागते हुए जानवर ठिठक कर खड़े तो हो गए, लेकिन दूर से ही उसे देखते रहे। वे उसके नजदीक जाने में झिझक रहे थे। आओ अरे भाई सब पास आ जाओ, सियार ने फिर आवाज दी। अपने सब मित्रों को भी बुला लाओ, मुझे तुम सबसे कुछ बहुत ही जरूरी बातें करनी है। एक एक करके सब जानवर नीले सियार के नजदीक आ गए। शेर, खरगोश, हिरन और बहुत से दूसरे जानवर आकर उसके चारों ओर खड़े हो गए। नीले सियार ने कहा, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। ईश्वर ने मुझे तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। पशुओं ने उसके कहे पर विश्वास कर लिया। सब ने उसे नमस्कार किया। उन्होंने कहा, हे राजन, हम सब आपको राजा मानते हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने आपको हमारे पास भेजा है। अब मेहरबानी करके बताइए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। नीले सियार ने कहा, तुम्हें अपने राजा की देखभाल खूब अच्छी तरह से करनी चाहिए और हमारे खान पान का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। जानवर बोले, राजन ऐसा ही होगा, हम अपने राजा के सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए हम और क्या कर सकते हैं? तुम्हें सदा अपने राजा का वफादार रहना चाहिए, तभी राजा शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा कर सकता है, चालाक सियार ने कहा। पशुओं को उसकी बातों पर विश्वास हो गया। उस दिन से वे नीले सियार के लिए तरह तरह का बढ़िया भोजन लाने और उसकी खूब सेवा करने लगे। वह नीला सियार राजा की तरह रहने लगा। प्रतिदिन पशु उसका अभिवादन करते और अपनी समस्याएं उसके सामने रखते। राजा सब कुछ सुनता और उसका समाधान बताता। एक दिन जब राजा दरबार में बैठा हुआ था कि कुछ दूर पर शोर सुनाई दिया। यह आवाज सियारों के एक झुंड की थी। बहुत दिनों से नीले सियार ने अपनी जाति के लोगों की आवाज नहीं सुनी थी। वह अकेलापन महसूस कर रहा था। आवाज को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उस समय वह यह भूल गया कि वह अब राजा है। उसने सिर उठाया और असली सियार की तरह हुआ हुआ करने लगा। उसकी यह आवाज सुनकर सब जानवर फौरन जान गए कि वह कौन है।
वह तो एक छोटा सा सियार था। उसने उन सब को खूब धोखा दिया। सब जानवरों को बहुत गुस्सा आया और वे उसे मारने के लिए दौड़े, मगर तब तक सियार वहां से भाग चुका था।